मंच पर आसीन आज ये गाजियाबाद नगर निगम और हमारा नेशनल अर्बन डेवलपमेंट समिट के साथ ये संयुक्त कार्यक्रम जो हो रहा है उस पर मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आए श्री सुरेश खन्ना जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री अफेयर्स यूपी गवर्नमेंट. मैं यदि सुरेश अपने माननीय मंत्री जी के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ. आप शाहजहानपुर से 8 बार विधायक रहे, विधायक हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, एक ही कॉन्स्टिट्यूंस से 8 बार विधायक चुना जाना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है. 2007 में मंत्री जी को पता भी नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा की महामंत्री थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. मैं निश्चित कोई अतिशयोक्ति नहीं बताऊंगी, कोई झूठ नहीं बोलूंगी, वहाँ आपकी तुलना एक बहुत ऊर्जावान परिश्रमवान और एक बहुत सरस सहज सरस व्यक्तित्व के रूप में की जाती है. आपका काम, आपका विकास, शहरों के लोगों के प्रति आपकी संवेदना, आपका प्यार देखने के लिए ही मिलता है, तभी वो बार 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 आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं. ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी. और जब कभी हम लोग हताश होते हैं, नगर निगम में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और हम जब जाकर उनसे मिलते हैं लखनऊ, तो सच में वो एक हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि छोटी मोटी बाधाएं तो आती रहती हैं, बाधाओं से लड़ना सीखो, बाधाओं से आगे बढ़ना सीखो. और आपकी कार्यशैली को देखकर सच में हम लोगों में ऊर्जा का संचार होता है और हम दुगनी गति से काम के लिए प्रेरित होते हैं. ऐसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर आदरणीय सुरेश खन्ना जी के लिए मैं चाहूँगी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से तालियां बजाएं. हमारे लौनी के विधायक आप देख भी रहे होंगे, पूरे चुस्त और दुरुस्त भाई नंद किशोर गुजर जी, बहुत ही जुझारू. मैं स्टूडेंट टाइम से जानती हूँ, मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रही और आप एक अजगर सेना के रूप में जाने जाते थे, ऐसे नंद किशोर गुजर जी. खोड़ा से हमारी पालिका चेयरमैन श्री आदरणीय रीना भाटी जी, हमारे नगर निगम के एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति जो सुबह 6 से लेके और रात के 12 बजे आप कभी कहीं घूम रहे हो तो आपको कोई मार्केट साफ कराते हुए, कोई नाले के पास, कोई सीवर के पास कहीं भी खड़े हुए दिखाई देंगे. बहुत ही परिश्रमी, बोलते कम है, काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं. ऐसे हमारे नगर आयुक्त साहब सीपी सिंह जी, हमारे बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के, जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हमारे जिला अध्यक्ष भाई बसंतवीर जी, हमारी इस हमारे अर्बन डेवलपमेंट समिट की फाउंडर एंड डायरेक्टर श्रीमती अर्चना जायसवाल जी, हमारे उधर मिस्टर सिंघल, आई थिंक सिंघल जी, हमारे और मंचासीन अतिथि, सामने बैठे हुए मेरे पार्षद तथा सभी सभागार में उपस्थित मेरे गणमान्य व्यक्तियों, मैं आपका, चूंकि मुझे स्वागत करने के लिए बुलाया है, मैं आपका नंदन, अभिनंदन, वंदन, स्वागत और सुस्वागत करती हूँ. आपको बहुत बहुत गाज़ियाबाद में सेमिनार कराने के लिए, आप लोगों का, नगर निगम के यहाँ बहुत सारे मेरे पदाधिकारी भी बैठे हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ. गाज़ियाबाद नगर निगम के एक ऐसे, जब अभी हमारे नगर आयुक्त जी ने बताया कि जब वो 1 साल पहले यहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई दिल्ली के बराबर होने के कारण, स्वाभाविक से आए कि हमसे सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली जैसी तुलना गाज़ियाबाद में की जाए.
और उन्होंने काफ़ी कर दिखाया। आज नगर निगम गाजियाबाद एवं एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई हमारे लिए गाजियाबाद शहर की, क्योंकि गाजियाबाद में केवल हम अगर यदि विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मैं गौरव से कह सकती हूँ कि हमारी गाजियाबाद नागरिकों से, हमारी पार्षदों से, नगर निगम के सभी पदाधिकारियों से गाजियाबाद में एक अद्भुत विकास की गंगा बही है। क्योंकि शहरों का विकास बहुत कुछ प्रमुख विकास होता है। आज जितनी तेज़ी से शहरों का विकास हो रहा है उतनी तेज़ी से जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। गांव से भी बहुत लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, रोज़गार के चक्कर में भी गांव से बहुत लोग आते हैं। हमारी विकास प्राधिकरण की योजनाएं बिल्कुल तरीकेबद्ध से होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन योजनाओं में या उन प्लानिंग्स में जो हमारी जनसंख्या वृद्धि होती है उसके कारण हम कहीं कहीं ना कहीं हट जाते हैं। इसी जनसंख्या के कारण जितनी तेज़ी से हम लोगों का विकास होना है और भी अभी उसमें तेज़ी की ज़रूरत है। हम लोग चाहते हैं, वास्तव में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो इंसान इंसान नहीं जो चुनौती को ना माने। हम इस चुनौती को तैयार करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे भी हमारा जो गाज़ियाबाद है उसके संदर्भ में एक बात बताना चाहूँगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना था, स्वच्छ और स्वस्थ भारत का सपना वो देख रहे थे। हम सब लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद के लोगों ने मिलकर उस सपने को साकार किया। इसी वजह से अभी हमारे सीपी सिंह जी बता रहे थे कि हमने रैंक में वृद्धि करी है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मैं ये कहूँगी कि गाज़ियाबाद में आदरणीय मोदी जी के विज़न और मिशन को कामयाब करने का सभी लोगों ने बहुत साथ दिया है। इस वजह से आज गाज़ियाबाद फास्टेस्ट मूवी सिटी में पूरे इंडिया में नंबर वन पर आया है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए कामयाबी है, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता है। गाज़ियाबाद नगर निगम में सबसे पहले हमने जो प्राथमिकता हमारी रही वो रही, हमने सफलता करी, हम लोगों ने सोचा, जो माननीय मोदी जी की भी एक बहुत बड़ी योजना थी, शौच मुक्त शहर को कराना। मंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि नगर निगम की पूरी टीम ने सुबह 5 बजे उठकर और रात तक 10 से 11 बजे, चाहे वो हमारी सफाई कर्मचारी की टीम हो या कोई अन्य टीम हो, हमारे सभी पार्षद बंधुओं ने भी अपने क्षेत्र में उस कार्यक्रम में पूरी पूरी मेहनत और योजना हम लोगों को दी। आज बहुत अच्छा लगा कि हम जब उस स्थिति पर आ गए हैं, हमको उपलब्धि मिल गई है गाज़ियाबाद शहर को शौच मुक्त कराने की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उसमें भी हम नंबर एक पर आ गए हैं। मैं आप सब लोगों को पुनः उस चीज़ के लिए बधाई दूंगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ महिलाएँ भी बैठी हैं। उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा शहर है गाज़ियाबाद जहाँ पिंक टॉयलेट की शुरुआत की, पिंक टॉयलेट का आरंभ किया। मुझे मैं मालूम है जहाँ महिला होती है मार्केटों में घंटों घंटों 6-6 घंटे शॉपिंग करती हैं, टॉयलेट ना होने के कारण उन्हें बड़े विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। ये पिंक टॉयलेट अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है, ये सब दिया हुआ तो आप ही द्वारा है, ऐसा उदाहरण है जहाँ महिलाओं को बहुत फैसिलिटीज़ दी गई हैं। 5 का क्वाइन, 5 सिक्के का क्वाइन आप डालो, उसमें से सैनिटरी पैड बाहर आते हैं, आप आपके पास दूसरा पैड है उसमें डालो, उसमें बने होंगे वो पूरे चले जाते हैं। कई बार छोटा नवजात शिशु हमारे पास में गोद में होता है, बड़े उसको महसूस होता है, तो हमने उसमें एक छोटा सा फीडिंग रूम भी बनाया है कि वहाँ जाके माँ बच्चे को अपना शांत कर सके। ये पूरा टॉयलेट बन गया, उसको हमने जनता को समर्पित किया। और जब उसका उद्घाटन हो रहा था, मंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाऊंगी, सारे लोग यहाँ के हमारे पार्षद थे, महिलाओं में जो एक चमक देखने को मिली मुझे, वो एक चमक अद्भुत थी। उन लोगों को लग रहा था कि शायद विश्व में, भारत में पहली बार एक पिंक टॉयलेट के नाम से वो गाज़ियाबाद में हमको सुपुर्द किया है, दूसरा हमारा पिंक टॉयलेट बन रहा है। और इसके साथ ही साथ गाज़ियाबाद अपने आप में
कई लोग हमसे कहते हैं कि गाजियाबाद स्मार्ट सिटी में नहीं आया। चूंकि मैं आपकी अनुयायी हूं, आपसे हमेशा मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, मैं उनको ये जवाब देती हूं, भले ही गाजियाबाद स्मार्ट सिटी में नहीं आया, लेकिन हम गाजियाबाद के लोग उसको स्मार्ट सिटी स्वयं बना देंगे। मैं इसको अपने आप में लेकर चलती हूँ। आज आप देखिए कि किस तरह से गाजियाबाद ने डेवलप किया है। लेकिन बहुत खुशी होने की बात नहीं, अगर यह डेवलप एक वन टाइम नहीं अचीवमेंट होना चाहिए, अभी हमको बहुत कुछ करना है। अभी तो कहते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और हमें हौसला अफजाई करना है। गाजियाबाद को हमको पूरे वो जैसा चाहते हैं हमारे सरकार, जैसे हमारे मंत्री जी चाहते हैं, हम लोग सब मिल के करेंगे। विशेष तौर से मेरे पार्षद लोग भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अपने अपने वार्डों में पूरी निभाते हैं। और आज ये जो सेमिनार हो रही है, इस सेमिनार से हमें बहुत फ़ायदा होगा। और इस सेमिनार में हमारे फिलिप्स के टाटा, हमारे कुछ लोगों ने जो योगदान दिया है, PN पंजाब नेशनल बैंक, हमारा फिलिप्स में सुलभ इंटरनेशनल, गुरुकुल ऑफ द स्कूल एंड एक्सिस बैंक, इन लोगों ने आज हमारे इस सेमिनार में योगदान दिया है। मैं उनका भी आभार, उनका भी साधुवाद करती हूँ। और पुनः इस सभागार में मंचासीन सभी विशिष्ट लोगों का, सभागार में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का पुनः स्वागत सुस्वागत करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।